हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नागरिकता कानून से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर से घुसपैठियों को भगाने के लिए एनआरसी लाने की बात कही थी, लेकिन सीएए पर इतना हंगामा हुआ कि सरकार ने फिलहाल एनआरसी के विचार को त्याग दिया। लेकिन राज ठाकरे ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए घुसपैठियों का यह मुद्दा उठा लिया है। मुंबई में राज ठाकरे की एक रैली हो रही है, मोर्चा निकल रहा है और मुद्दा है पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने का। घुसपैठिए देश भर की समस्या है, ये बात सही है, लेकिन सवाल यह है कि घुसपैठियों की पहचान आखिर होगी कैसे। भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहे, माझ्या देशा माझे प्रेम आहे आणि माझ्या देशात घुसखोर पाकिस्तानी व बांग्लादेशी लोकांना बाहेर काढल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। माननीय राष्ट्रपती, भारत मां घुसपैठियों के बोझ से दबी हुई है। वो घुसपैठिए जो अवैध तरीके से देश में दाखिल होते हैं, फर्जीवाड़े से अपने कागज बनवाते हैं और फिर यही रह जाते हैं। इन्हीं घुसपैठियों को भगाने के लिए पहले नागरिकता कानून आना था और फिर एनआरसी। इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों को जरूर चिंता करने की जरूरत। घुसपैठियां देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। लेकिन नागरिकता कानून से ही इतना हंगामा हो गया कि सरकार ने फिलहाल एनआरसी का ख्याल भी छोड़ दिया। पूरे देश में विरोध का ये प्रयोग हो रहा है, इसीलिए सरकार तो फिलहाल चुप बैठी है, लेकिन राज ठाकरे चुप नहीं है। राज ठाकरे ने आज अवैध घुसपैठियों के नाम पर पूरी मुंबई को भगवा कर दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पूरे महाराष्ट्र से अपने समर्थक मुंबई बुलाए थे। राज ठाकरे आधिकारिक तौर पर भगवा हो चुके हैं और मुंबई से अवैध बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों को हटाने का ये उनका पहला एजेंडा है। ये लोग जो बाहर से आते हैं, बांग्लादेशी पाकिस्तानी लोग यहाँ के अपने गलत चीजें करते हैं, आतंकवादी घुसपैठे करते हैं, इधर आके वोटिंग लिस्ट बनाते हैं, ये सब हमारा हक छीन लेते हैं। ये कॉमन लोग के लिए, ये भारत के जो हमारा टैगलाइन है कि भारत मेरा देश है, वो लोग का नहीं है। राज साहब ने जो भूमिका ली है भारत के जो नागरिक है उनके लिए। राज साहब ने जो हमारा जो एक संपर्क ये किया है, दे लिया है कि हमको पाकिस्तानी और बांग्लादेशी यहाँ चाहिए नहीं है। आज तक किसी नेता ने नहीं किया जो हमारे राज साहब ठाकरे ने किया है। अगर राज साहब जैसा बोलेगा हम वैसे समर्थन करेंगे, तोड़ना पड़ेगा तोड़फोड़ भी करेंगे। पूरा देश में जो घुसपैठिया है, जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, उनको आवाज देने के लिए सरकार ने उनको बाहर निकलने का, जो इधर रह के जो हमारा जो कायदा कानून है उन पे जो आपत्ति आ रहे, तो इसके लिए इसके वजह से उनको कैसा भी करके इधर से बाहर निकलने का, इसलिए इसके वो ये करने के लिए इधर हम आए। नागरिकता कानून के खिलाफ भले ही मुसलमान सड़कों पर हों, लेकिन राज ठाकरे के इस रैली में वो मुसलमान भी आए थे जो घुसपैठ को बड़ी समस्या मानते हैं। मोर्चा इसलिए है कि हमारे हिंदुस्तान में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और जितने भी घुसपैठियां हैं वो नहीं चाहिए, और हिंदुस्तान में जितने हम हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख सिखाई हैं, सब हम एक हैं और इतनी मोहब्बत से रहते हैं कि और हर चीज सब सही है, बाकी इनके लिए ये मोर्चा है। हिंदुत्व की राजनीति के लिए घुसपैठियों का मुद्दा तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अवैध घुसपैठियों की पहचान कैसे होगी। भारत में और खास तौर से महाराष्ट्र में, मुंबई में, जहां जहां भी घुसखोर बैठे हुए हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए, उनको आइडेंटिफाई किया है और आइडेंटिफाई करने के बाद हमने सूचनाएं दी हैं और हम चाहते हैं कि वो जो घुसखोर हैं वो मुंबई छोड़ के, महाराष्ट्र छोड़ के, ये देश छोड़ के अपने अपने देश में चले जाएं। इसलिए ये एजेंडा राज साहब ठाकरे के नेतृत्व में अपनाया गया है। ये बात सही है कि घुसपैठिए पूरे देश की समस्या है, लेकिन राज ठाकरे की मंशा मुद्दे से ज्यादा राजनीति की लगती है। उन्हें महाराष्ट्र की सियासत में हिंदुत्व का वो स्थान दिख रहा है जो शिवसेना और कांग्रेस के हाथ मिलाने से खाली हो गया है।
शिवसेना के पास हिंदुत्व बचा कहाँ है? शिवसेना का तो चेहरा ही बदल चुका है, और शिवसेना का चेहरा इसलिए बदला है कि उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ समझौता करके सरकार बनाई है। जब एक समझौते की सरकार चलती है तो उन्होंने हिंदुत्व तो पहले ही छोड़ दिया और हिंदुत्व अब उनके पास बचा नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत बांग्लादेश की सैकड़ों किलोमीटर की वो सीमा जिस पर कोई तारबंदी नहीं है। यहां घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ तो तैनात है, लेकिन भौगोलिक स्थितियां ऐसी हैं कि बीएसएफ भी घुसपैठ के सामने मजबूर है। कुछ दिन पहले हमारे संवाददाता उत्कर्ष सिंह ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर से एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे देखकर आपको यह समझ में आएगा कि भारत में घुसपैठ इतनी आसान क्यों है और नागरिकता कानून के बाद ये घुसपैठिए क्यों डरे हुए हैं। ये सरसराती हवाएं और इन हवाओं पर परवाज करते ये आजाद पंछी, जमीन पर लहराती बल खाती ये नदियां किसी सरहद की गुलाम नहीं हैं, लेकिन इन नदियों की तरह ही जब कोई इंसान बिना इजाजत सरहद पार कर जाता है तो बन जाता है घुसपैठ का गुनहगार। हम लोग बांग्लादेश से सब कुछ छोड़ के इधर आया, अभी हमारा कोई बिल्कुल डर नहीं है, ये सरकार जैसे चल रहा है हम लोग ऐसे ही चलेगा। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या को समझने के लिए भारत बांग्लादेश की सरहद का भूगोल जानना भी जरूरी है, और इसीलिए एबीपी न्यूज की टीम भारत बांग्लादेश सीमा पर उन इलाकों तक भी पहुंची जहां महज दो कदमों के फासले पर ही कोई बांग्लादेश की जमीन पर दाखिल हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि भारत बांग्लादेश की सीमा पर ऐसे कई इलाके हैं जहां ना तो कोई तारबंदी है, ना ही कोई निशान है, और ना ही घुसपैठियों को रोकने का कोई पुख्ता इंतजाम है। भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित ये पिलर ये बताने के लिए काफी है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भारतीय सीमा की रक्षा करने में कितनी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल के बशीरहाट की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस वक्त मैं भारत में खड़ा हूँ, और दो कदम चलने के बाद ही मैं बांग्लादेश में आ गया, यानी कि मेरी दाहिनी तरफ भारत के घर हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश के घर हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच सैकड़ों किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां पर किसी तरीके की फेंसिंग नहीं है, सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो जीरो लाइन पर बसे हुए हैं, जहां एक घर बांग्लादेश में तो दूसरा घर हिंदुस्तान में आता है, और ऐसी परिस्थितियों में बीएसएफ के लिए ये काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भारत और बांग्लादेश तकरीबन 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर साझा करते हैं, जिसमें से पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश की 2216 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा पर बसे गांवों के बीच से ही जीरो लाइन भी गुजरती है। गांवों में जिस तरह गलियां मोड़ लेती हैं, उसी तरह बॉर्डर भी बदलता रहता है। आप खुद देखिए, पश्चिम बंगाल के इस गांव में गली के एक तरफ बांग्लादेश है तो दूसरी तरफ भारत। इसी तरह भारत में रहने वाले शख्स के खेत बांग्लादेश में हैं और बांग्लादेश में रहने वाले शख्स की जमीन भारत में है। इन गांवों में दोनों देशों के लोगों के बीच रिश्तेदारियां भी होती हैं, इसीलिए कोई भी इधर से उधर आ और जा सकता है, और यही वजह है कि इस तरह की जगहों पर घुसपैठ करना बेहद आसान होता है। मेरे बाईं तरफ आपको बांग्लादेश के खेत नजर आ रहे होंगे, और जिस पगडंडी पर मैं खड़ा हूं इसकी दाहिनी ओर भारत के घर बसे हुए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सैकड़ों किलोमीटर का इलाका अनफेंस्ड है, सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो कि जीरो लाइन पर कुछ इस तरीके से बसे हुए हैं कि भारत में रहने वाले लोगों के खेत बांग्लादेश में और बांग्लादेश में रहने वाले लोगों के खेत भारत में पड़ते हैं। कई जगहें तो ऐसी हैं जहां घरों के भीतर से जीरो लाइन गुजरती है, यानी कि एक घर का ही एक हिस्सा भारत में पड़ता है तो दूसरा हिस्सा बांग्लादेश में आता है। आप अंदाजा लगाइए कि ऐसी स्थिति में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भारतीय सीमा की रक्षा करने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। मेरे पीछे के घर बांग्लादेश में है, मेरे दाहिनी ओर भारत का इलाका है, और जिस पगडंडी पर मैं खड़ा हूं ये भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है।
भारत में सबसे ज्यादा घुसपैठ और तस्करी बांग्लादेश से होती है। दरअसल भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा चुनौतियों से भरी है। नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद एबीपी न्यूज देश का पहला न्यूज चैनल है जो आपको भारत बांग्लादेश की सीमा के उस इलाके तक ले आया है जहां से दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा की शुरुआत होती है। कोलकाता से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर बशीरहाट के इस घोजा डांगा इलाके में चारों तरफ बस बीएसएफ के जवान पूरी तरह मुस्तैद नजर आते हैं। कटीले तारों के पार और नदी के किनारे सीमा सुरक्षा बल के ये जवान 24 घंटे पहरा देते रहते हैं। इसी इलाके से भारत और बांग्लादेश के बीच थल सीमा की शुरुआत होती है क्योंकि इससे आगे बंगाल की खाड़ी तक तकरीबन 150 किलोमीटर लंबी इच्छामती नदी दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का काम करती है। कई इलाके ऐसे हैं जहां भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारण नदियां करती हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी एक ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है जहां से भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत होती है। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट इलाके में हमारी मौजूदगी है और जिस नदी में हम इस वक्त चल रहे हैं ये इच्छामती नदी है जो भारत और बांग्लादेश को बांटती है। खास बात यह है कि ये वही इलाका है जहां से भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत होती है। मेरी बाई तरफ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बांग्लादेश का इलाका है और इस नदी के दूसरी ओर यानी कि मेरे दाहिनी तरफ भारत की सीमा लगती है। ये सीमा ये नदी इच्छामती नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है और मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं यहाँ से जो लैंड बॉर्डर है यानी कि थल सीमा जो है वो शुरुआत होती है उसकी। दावा है कि नागरिकता संशोधन कानून आने के बाद भारत में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों में डर का माहौल है। आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं कि CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC की चर्चा के बाद घुसपैठियों के बांग्लादेश लौटने की घटनाओं में अचानक इजाफा हुआ है। बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने हाल ही में आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि बीते दो महीनों में अवैध तरीके से भारत से बांग्लादेश आने वाले 445 बांग्लादेशियों को सीमा पर पकड़ा गया है। इन आंकड़ों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि और कितने घुसपैठिए सीमा सुरक्षा बलों की नजरों से बचकर सरहद पार कर चुके होंगे। भारतीय सीमा सुरक्षा बल के आंकड़े भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। सुंदरबन और बोगांव के बीच ही 250 किलोमीटर लंबी सरहद के आंकड़ों को ही अगर आधार बनाया जाए तो पहले असम में NRC और फिर देश में CAA आने के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों के वापस अपने देश जाने के मामलों में 7 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। बीते महीने में ही BSF ने हजारों ऐसे लोगों को पकड़ा है जो गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करके भारत से बांग्लादेश जाना चाहते थे। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद में अभी यहां से जाने वालों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है उसका भारत से बांग्लादेश जाने वालों जी उसका कारण यह है कि जो अवैध तरीके से यहां लोग रह रहे थे बांग्लादेश के नागरिक वो अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस अपने देश में चले जाएं इससे पहले कि उनके खिलाफ कोई और कार्रवाई की जाए तो उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। देश में नागरिकता संशोधन कानून आने के बाद ABP न्यूज पहला न्यूज चैनल है जो भारत बांग्लादेश की सीमा पर पहुंचा है। CAA होने के बाद भारत में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों के बीच कैसा माहौल है ये जानने के लिए ABP न्यूज की टीम पश्चिम बंगाल के बोमगांव पहुंची। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर बोमगांव का ये इलाका नॉर्थ 24 परगना जिले में आता है। इस पूरे इलाके में बरसों से बड़े पैमाने पर घुसपैठ और तस्करी होती रही है। बांग्लादेश का सीमावर्ती इलाका होने की वजह से यहाँ रहने वाले भारतीय और बांग्लादेशी घुसपैठियों में फर्क करना मुश्किल है। दरअसल भाषा और रंग रूप से लेकर कद काठी और रंग ढंग तक में इतनी समानताएं हैं कि भारतीय और घुसपैठियों में अंतर कर पाना नामुमकिन सा होता है। लेकिन काफी खोजबीन और मेहनत के बाद आखिरकार आपके चैनल ABP न्यूज की टीम ने उन कुछ बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढ निकाला जो बरसों से भारत में रह रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के बोन गांव में है जहां हमारे साथ वो शख्स हैं जो करीब 30-35 साल पहले इनका परिवार यहाँ आया था। क्या नाम है आपका?
सुशांत मिर्धा है मेरा नाम। सुशांत जी कब आप यहाँ पर आए थे? और मेरा जो पापा वो आया था 35 साल हो गया इधर बांग्लादेश से इधर आया आके इधर नागरिकता तो पाया मेरा बाबा, वोटर कार्ड आय कार्ड सभी मिला बाबा। नागरिकता तो अभी तक नहीं मिली थी लेकिन कागजात आप लोग के सारे हैं? हाँ मेरा सारे है। मेरे को इधर जो जन्म हुआ जन्म सर्टिफिकेट भी मिला आपका यहाँ पर? हाँ जन्म हुआ जन्म सर्टिफिकेट भी मिला। मेरे आय कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सभी है मेरे को। घुसपैठियों की इस कहानी से ये बात साफ है कि जहाँ नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद बांग्लादेश लौटने वाले घुसपैठियों की तादाद बढ़ी है, वहीं लाखों बांग्लादेशी भारतीय पहचान पत्रों के दम पर भारत में रहने पर अड़े हैं। भारत सरकार के दस्तावेज की आड़ में ये बांग्लादेशी खुद के भारतीय होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि जो लोग अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत आए उनके दस्तावेज कैसे बन गए। बड़ी मुश्किल ये भी है कि CAA और NRC लागू होने की स्थिति में इन्हीं दस्तावेजों की वजह से भारतीयों और घुसपैठियों में पहचान होनी मुश्किल है। कोई आ गया लोकल लीडर को बोला, उसको कुछ पैसा दिया, लोकल लीडर उसका क्या करता है, 6 नंबर से वोटर होता है, उसी के साथ साथ 2 कॉपी फोटो ले लेता है, बस 10-20 हजार पैसा लेके और BDO ऑफिस में भी कुछ दे देता है और वोटर कार्ड लिस्ट में नाम उठाने का बाद जब आइडेंटिटी बनता है वो जो वोटर फोटो दे दिया उसी से आइडेंटिटी कार्ड बनवा देता है। ये पूरी मदद है यहाँ का पॉलिटिकल जो पावर में है वही पार्टी और BDO ऑफिस में जो लोग वोटर करता है उसका, दोनों का आपस में बंटवारा का हिसाब में फॉल्स वोट बन जाता है, ये 100% है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।